तो सबसे पहले यह खबर एबीपी न्यूज पर आपने देखी। हमने सबसे पहले आपको बताया कि अगले मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। और ताजा जानकारी आपको यह दे दें कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, यानी कल सुबह 11 बजे पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी शपथ ले लेंगे। हालांकि क्या उनके साथ और मंत्री भी शपथ लेंगे, यह सवाल बना हुआ है, या फिर सरकार का क्या प्रारूप होगा, क्या तस्वीर होगी, ये तमाम सवालात हैं। चूंकि डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला होगा वो देखना भी दिलचस्प होगा। सुबह 11 बजे पंजाब के नए सीएम के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेने वाले हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे चरणजीत सिंह चन्नी, 3 बार के विधायक हैं और अब पंजाब के अगले मुख्यमंत्री। तो एबीपी न्यूज ने ना सिर्फ ये खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई, बल्कि सबसे पहले पंजाब के नए मुख्यमंत्री से हमने बातचीत भी की। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। चन्नी साहब साढ़े नाल है, चन्नी साहब पहली प्रतिक्रिया नहीं प्लीज, कल नु कराना, कल यार तुसी बड़े चंगे बंदे हो, मैनू किस टाइम मिलियो, नहीं तुसी मैनू मिलियो कदे, मैं तुहानू लब रहा सी, तुसी मिल गए, मैं कल दवांगा, कल कल मैडम दा लैंदो, मैडम तुहानू कदों पता लग्या, हुण हुणे पता चलिया, जस्ट नो असीं हुणे उत्थों सिद्धे ही आ रहे हैं खरड़ तों। शपथ ग्रहण चली साहब, शपथ ग्रहण कदों तक? 11 बजे कल। तो जगविंदर पटियाल लगातार कई सवाल पूछते रहे और लगातार चरणजीत सिंह चन्नी का यही कहना कि मैं बाद में बात करूंगा, अभी किसी तरह की कोई खास प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर नहीं की है। इन सब के बीच हरीश रावत ने यह कहा कि सिद्धू को चेहरा बनाकर अगले चुनाव में कांग्रेस जाएगी पंजाब में। तो सिद्धू को सामने रखकर चुनाव में जाएंगे, ये एक बड़ा बयान हरीश रावत ने दिया है। सवाल यही कि क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और अगले चुनाव में अगर कांग्रेस यहां जीतती है तो सिद्धू सूबे के नए मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरीके की बात हरीश रावत ने कही उसके बाद इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दलित समुदाय से आते हैं, चमकौर साहिब से फिलहाल विधायक हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी मेरे साथ हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबको चौंका गया। आप लोगों ने कब तय किया कि चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके पीछे क्या सोच है? श्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के ग्रास रूट के नेता हैं, सीएलपी के नेता रहे हैं जिस समय हम विपक्ष में थे, उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है और एक अच्छे मिनिस्टर हैं, इसलिए उनके नाम में चौंकाने जैसी कोई बात नहीं थी। उनका नाम ही इमर्ज होकर के आया और वही आज गवर्नर साहब को क्लेम स्टेक करने के पहुंचे। कितने बजे आपने जब ट्वीट किया उसे कितनी देर पहले चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आप लोगों के पास आया, आप लोगों ने कब मन? ये कल ही तय हो गया था, कल ही तय हो गया था। तो फिर ये अंबिका सोनी का नाम, सुखजिंदर रंधावा का नाम, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम, ये कैसे चल रहा है? हम तो मुहूर्त देख रहे थे और आप लोग जो है आपका 24/7 है और हमको ये देखना पड़ता है कि वाहे गुरु कब कृपा करेंगे, भगवान की क्या कृपा है। कि रंधावा जी के साथ ज्यादातर विधायक थे लेकिन उनको सिद्धू की वजह से रोका गया। नहीं, ये कहना किसी ने किसी को रोका है ये उस अन्याय होगा, ये सरासर अन्याय होगा, किसी ने किसी को नहीं रोका है। अगला सवाल कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में ही कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी और चुनाव में जीते तो क्या वही मुख्यमंत्री? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम प्रदेश कांग्रेस को, कांग्रेस के सामूहिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस को सामने रख करके चुनाव लड़ेंगे। चेहरा प्रदेश अध्यक्ष होंगे? मैंने कहा कि हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सामने रख करके चुनाव में जाएंगे। लेकिन उस प्रदेश अध्यक्ष को एंटी नेशनल कह रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, विरोध करेंगे, कैसे मनाएंगे उनको? देखिए, एक मोमेंट्री रिएक्शन क्या है उस पर मैं रिएक्ट नहीं करना चाहूंगा। कैप्टन साहब से मिलना चाहेंगे आप? मिले, आप बात हुई? मैंने कहा मैं मिलूंगा, मैं उनसे समय मांगूंगा, हमारे बहुत प्यारे नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमारी मुलाकात। बगैर उनको उनकी जानकारी के सीएलपी की मीटिंग बुला ली गई, अपमानित महसूस कर रहे हो? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी और जब उनको खबर की गई उसी के बाद सीएलपी की मीटिंग। ये बताइए कि अगला स्वरूप क्या होगा कैबिनेट का, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे और किस समाज से? हमारी कोशिश जो आम राय बन रही है विधायकों की,
हमने जिनसे भी बातचीत की, वो चाहते हैं कि दो उप मुख्यमंत्री हों करके, लेकिन क्या कितने होंगे उप मुख्यमंत्री या होंगे या नहीं होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होंगे, वो श्री चेन्नई जब शपथ ले लेंगे तो उसके बाद वो कांग्रेस हाई कमांड से पार्टी अध्यक्षादि से बात करके फाइनल। कल केवल चेन्नई शपथ लेंगे, बाकी कैबिनेट बाद में शपथ लेंगे। हाँ, कल श्री चेन्नई शपथ लेंगे। तो हरीश रावत ने एक बड़ी बात यह कह दी कि अगले चुनाव में कांग्रेस वहां प्रदेश अध्यक्ष को चेहरा बनाकर जा रही है, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू चेहरे होंगे अगले चुनाव में कांग्रेस के। अब आपको बताते हैं जो चन्नी नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में। चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, यानी मंत्री पद उनके पास था। इसके अलावा आपको बताएं कि कौन सा मंत्रालय उनके पास था, तकनीकी शिक्षा और पर्यटन मंत्रालय उनके पास था। चमकौर विधानसभा है जो मालवा इलाके में वहां पर है, वहां से विधायक चुने गए, 3 बार के विधायक हैं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, दलित समुदाय से आते हैं और पंजाब के बारे में बात की जाए तो सबसे अधिक वहां दलित समुदाय की आबादी है, करीब 33% के आसपास। तो पंजाब का पॉलिटिकल पेंच अब सुलझता दिखाई दे रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के क्लीन बोल्ड होने के बाद टीम की पारी को आखिरी ओवर में संभालने की जिम्मेदारी दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दी गई। नाइट वॉचमैन की तरह इनके लिए भी बहुत ही कम वक्त के लिए विकेट बचाए रखने की जिम्मेदारी है। 4 से 5 महीने ही बाकी हैं पंजाब विधानसभा चुनाव में, तो सवाल यह है कि क्या चन्नी और सिद्धू नाइट वॉचमैन से कैप्टन तक का सफर तय कर सकेंगे या डूब जाएगी कांग्रेस की उम्मीदें। राजनीति भी खेल है, क्योंकि खेल हो या राजनीति, दोनों का मकसद एक ही होता है और वो मकसद होता है जीत का। चरणजीत सिंह चन्नी के पास पंजाब में बैटिंग करने का अरसा बेहद छोटा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मौका बहुत बड़ा है। उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कैप्टन अमरिंदर की छोड़ी हुई विरासत पर सिद्धू की अगुवाई में अगले चुनावों तक टीम को सही सलामत बिना विकेट गवाए पहुंचाना। एक वक्त था जब खुद नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात भेजा गया था नाइट वॉचमैन की तरह। 2001 में उन्हें गुजरात का सीएम बनाया गया था, जबकि अगले ही साल 2002 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ विकेट को बचाए रखा बल्कि अगले चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाकर ये साबित कर दिया कि जो काम क्रिकेट में सैयद किरमानी ने किया था वो नरेंद्र मोदी ने 2002 के जीत के साथ सिलसिला शुरू करके किया, जिसके बाद 2007-2012 में नेतृत्व करके उन्होंने बीजेपी को विजय दिलाई। ।2014 में आनंदी बेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राजनीति का रुख किया। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा। इस बीच गुजरात में 2017 के चुनाव से करीब एक साल पहले विजय रूपाणी को भी नाइट वॉचमैन की तरह ही वहां का सीएम बनाया गया और उन्होंने भी 2017 के चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाकर साबित कर दिया कि वो बीजेपी की पारी संभाल सकते हैं। अब ऐसी ही स्थिति एक बार फिर आई है गुजरात में, जब अगले साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और भूपेंद्र पटेल को नाइट वॉचमैन बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने उत्तराखंड में 2017 के चुनाव से करीब एक साल पहले यानी 2016 में हरीश रावत को नाइट वॉचमैन बनाकर ही भेजा था, लेकिन 2017 के चुनाव में वो पार्टी को जीत नहीं दिला सके। उत्तराखंड में यही काम बीजेपी ने इसी साल किया है जब पुष्कर धामी को वहां का सीएम बनाया गया। चुनाव अगले साल ही होने वाले हैं और उनका भी इम्तिहान हो जाएगा कि वो पार्टी को जीत दिला पाते हैं या नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था दिल्ली में जब 1993 के चुनावों में बीजेपी ने बहुमत हासिल करके मदन लाल खुराना के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन हवाला कांड में नाम आने के बाद मदन लाल खुराना को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ऐन चुनाव से पहले उन्हें भी हटा दिया गया और सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री नाइट वॉचमैन की तरह बनाया गया, लेकिन जब चुनाव हुए तो बीजेपी हार गई।
कुछ इसी तरह पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को नाइट वॉचमैन के तौर पर सिद्धू की अगुवाई में पंजाब की पारी बचाए रखने के लिए सीएम बनाया है और पार्टी उम्मीद कर रही है कि वो चुनाव जीतकर पंजाब कांग्रेस की झोली में लाकर दें। इसमें हार हो या जीत जिम्मेदार अकेले चरणजीत सिंह चन्नी नहीं बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू भी होंगे क्योंकि ये सारा बखेड़ा उन्हीं की वजह से खड़ा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला है। कांग्रेस ने चन्नी को जो चुना उसके पीछे की वजह हम आपको बता रहे हैं। दलित बहुल पंजाब में पहली बार दलित सीएम एक होने जा रहा है। पंजाब की बात की जाए तो दलित समुदाय की यहां पर सबसे अधिक आबादी है वोट बैंक के लिहाज से अगर हम देखें। चन्नी मालवा से आते हैं, वहीं से चुनकर आते हैं चमकौर साहिब से, वहां सबसे ज्यादा उस इलाके में सीटें हैं, 69 सीटें हैं और 40 यहां पर कांग्रेस के विधायक पिछली बार चुने गए थे। मालवा में सबसे अधिक सीटें हैं, वहां से यह तय हो जाता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है पंजाब में। देखिए और 69 में से 40 विधायक पिछली बार कांग्रेस के इसी इलाके से आए थे। मालवा में आम आदमी पार्टी को तब 18 सीटें मिली थी, तो यह एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने जिसे काउंटर करने की कोशिश नजर आती इस तरीके से इस इलाके के चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर। अकाली बीएसपी गठजोड़ को भी चुनौती, दलित वोट बैंक को जो साधने का वहां प्रयास किया गया उसमें भी सेंध लगाने का काम किया है कांग्रेस ने। और बीजेपी जैसा कांग्रेस ने एक तरीके से कार्ड खेला, गुजरात की तरह यहां पर तस्वीर नजर आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने की कोशिश है। सिद्धू जट सिख अध्यक्ष हैं और चन्नी दलित सिख, तो यह कॉम्बिनेशन एक बनाने का प्रयास किया गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।